आईपीएल में हर चीज के लिए अवार्ड रखे गए हैं, जैसे अगर किसी ने बेहतरीन कैच लिया तो उसके लिए अवार्ड, किसी ने ज्यादा छक्के लगाए तो उसके लिए अवार्ड। इसी तरह पूरे सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए भी एक अवार्ड है। इस अवार्ड को ऑरेंज कैप कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहले सीजन में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीता था, और क्या आप बता सकते हैं कि 2016 आईपीएल में ऑरेंज कैप का विजेता कौन है? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम 2008 से लेकर 2021 तक आईपीएल के सभी ऑरेंज कैप विनर के बारे में आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। दोस्तों, अब तक के ऑरेंज कैप विनर के बारे में जानने से पहले चलिए शॉर्ट में हम आपको ऑरेंज कैप की हिस्ट्री के बारे में कुछ बता देते हैं। ऑरेंज कैप आईपीएल में वैसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जो सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। इस अवार्ड को आईपीएल के सबसे बड़े अवार्ड में से एक माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े अवार्ड को आईपीएल के पहले सीजन की शुरुआत के एक हफ्ते बाद लागू किया गया था। आईपीएल में 25 अप्रैल 2008 को पहली बार ऑरेंज कैप आया था और आईपीएल में पहली बार ऑरेंज कैप पहनने वाले खिलाड़ी ब्रैंडन मैक्कुलम बने थे। चलिए दोस्तों, अब साल दर साल आईपीएल के ऑरेंज कैप विनर के बारे में आपको बताते हैं। 2008 आईपीएल इतिहास में पहली बार ऑरेंज कैप जरूर ब्रैंडन मैक्कुलम ने पहना था, लेकिन इस ऑरेंज कैप को पहली बार किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शॉन मार्श ने जीता था। 2008 आईपीएल में मार्श टॉप के फॉर्म में थे, उन्होंने कुल 11 मैचों में 616 रन बनाते हुए यह अवार्ड जीता था। 2009 में भी ऑरेंज कैप पर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का कब्जा था, लेकिन इस बार ये खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स टीम में था तथा इसका नाम था मैथ्यू हेडन। हेडन उस सीजन में 12 मैचों में खेलते हुए 572 रन बनाते हुए सीजन के टॉप स्कोरर रहे थे। 2010 में सचिन तेंदुलकर ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। जी हाँ, 2010 में सचिन कमाल की फॉर्म में थे। उस सीजन मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए सचिन ने 15 मैचों में कुल 618 रन बनाते हुए ऑरेंज कैप जीता था। 2011 साल 2011 क्रिस गेल के लिए कमाल का बीता था और उन्होंने सीजन आरसीबी की ओर से खेलते हुए कई ताबड़तोड़ पारियां खेली थी। इस पूरे सीजन उन्होंने 12 मैचों में 608 रन बनाते हुए ऑरेंज कैप पे कब्जा जमाया था। 2011 के मुकाबले 2012 में क्रिस गेल और भी ज्यादा खतरनाक हो गए और उन्होंने उस साल भी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की। 2012 में क्रिस गेल ने 15 मैचों को खेलते हुए 733 रन बनाए। तब 733 रन आईपीएल के इतिहास के एक सीजन में किसी भी प्लेयर द्वारा बनाया गया हाईएस्ट टोटल था। 2013 आईपीएल के शुरुआती दो सीजन में ऑरेंज कैप पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का कब्जा रहा, लेकिन उसके बाद दूसरे खिलाड़ियों ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन 2013 में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइकल हसी ने सीएसके के लिए 16 मैचों में रिकॉर्ड तोड़ 733 रन बनाते हुए ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया। 2014 के ऑरेंज कैप विनर कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलने वाले रॉबिन उथप्पा रहे। रॉबिन उथप्पा ने 2014 आईपीएल के 16 मैचों में 660 रन बनाए थे। इस साल कोलकाता ने आईपीएल ट्रॉफी भी अपने नाम की थी। 2015 में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलने वाले डेविड वार्नर ने ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। उस सीजन वार्नर के बल्ले से 14 मैचों में 562 रन आए थे। 2016 दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के लिए आईपीएल 2016 किसी सपने से कम नहीं था। इस सीजन विराट कोहली प्रचंड फॉर्म में थे, उन्होंने 16 मैच में 973 रन ठोकते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया। आज तक कोई भी खिलाड़ी एक सीजन में इससे ज्यादा रन नहीं बना पाया है। ये पहला मौका था विराट कोहली ने ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया था। ऐसा करने वाले वो महज तीसरे भारतीय थे। 2017 में एक बार फिर ऑरेंज कैप हैदराबाद के खिलाड़ी डेविड वार्नर के पास चला गया। इस साल डेविड वार्नर ने 14 मैचों में 641 रन बनाए थे। 2018 में लगातार दूसरी बार ऑरेंज कैप पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी का कब्जा हुआ, लेकिन इस बार डेविड वार्नर नहीं थे बल्कि केन विलियमसन ने ऑरेंज कैप जीता था। इस सीजन केन विलियमसन ने 17 मैचों में कुल 735 रन बनाते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। 2019 डेविड वार्नर के लिए साल 2019 एक बार फिर से जबरदस्त साबित हुआ और इस साल उन्होंने 12 आईपीएल मैचों में ही हैदराबाद की ओर से खेलते हुए 692 रन ठोक दिए। इस तरह आईपीएल इतिहास में तीसरी बार डेविड वार्नर ने ऑरेंज कैप पर कब्जा किया। ऐसा करने वाले वो अब तक आईपीएल इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2020 का ऑरेंज कैप भारतीय खिलाड़ी लोकेश राहुल के सर पर सजा था। उस साल लोकेश राहुल ने किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेलते हुए 14 मैचों में 670 रन बनाए थे। 2021 दोस्तों, पिछले साल आईपीएल टीम की प्लेऑफ में जगह बनाने की ही तरह ऑरेंज कैप के लिए भी प्लेयर्स के बीच में रेस चली है, जिस
जिसमें टॉप पर केएल राहुल, ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस, शिखर धवन और मैक्सवेल शामिल थे, जिसमें जीत चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़ की हुई और वो सिर्फ फाफ से 2 रन ज्यादा और केएल राहुल से सिर्फ 9 रन ज्यादा थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए 16 मैचों में 635 रन बनाए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है 2022 में कौन सा प्लेयर ऑरेंज कैप जीतेगा, ये कॉमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी होती इसे लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो।